नमस्कार दोस्तों, सुपर एबीएच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं ओल्ड एग्जामिनेशन पेपर सीरीज के तहत दूसरा पेपर आपके लिए लेके आए हैं। और दोस्तों, ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है, तो इसको मिस नहीं कीजिए। और आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज के सेकंड पार्ट के तहत। 2015 का ओल्ड एग्जामिनेशन पेपर हम देख रहे हैं, जिसमें केवल वही क्वेश्चन हम देखेंगे जो हमारे सिलेबस में है, और जो सिलेबस में नहीं है उनको हम नहीं देखेंगे। मैं प्रत्येक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है, इसमें जो आ जाएगा, मेथिल ऑरेंज, और दूसरा आ जाएगा इसमें फिनोल पुथेनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेथिल ऑरेंज और फिनोल पुथेनी। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं है, और थर्ड क्वेश्चन भी अपने सिलेबस में नहीं है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, तो इसमें जो है कि आ जाएगा रक्त की पीएच जो है कि कम होगी, क्योंकि रक्त की 7.4 होगी, जबकि आशुत जल की पीएच अधिक होगी, वो 7 होगी। जठर रस की पीएच अधिक होगी लगभग 1.2, और नींबू की रस की कम होगी लगभग 2.2। अतिपान से बचने के लिए कोई दो सावधानियां बरतनी है, तो इसमें एक तो फ्यूज का यूज कर सकते हैं, दूसरा एक सॉकेट में एक अधिकतम विद्युत के उपकरण नहीं लगाएं, उससे बच सकते हैं। जो तार हैं उन पर विद्युत रोधी पदार्थ अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तो इसे दो कोई भी आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद ऊर्जा के अनवीकरण और नवीकरणीय स्रोत हैं, तो ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत में जो हैं कि वो आ जाएंगे जिसमें जो है कि निर्माण में काफ़ी अधिक समय लगता है, और मतलब लाखों वर्षों का समय लग जाता है, जिनका एक बार समाप्त होने के बाद जिनको निर्माण में लाखों वर्षों का समय लग जाता है उन्हें अनवीकरणीय कहेंगे, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है। और नवीकरणीय स्रोत उन्हें कहेंगे जिनका निर्माण हम आसानी से कर सकते हैं, यानी कि जो समाप्त नहीं होंगे और जल्दी से जल्दी उनका निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद ये सातवां क्वेश्चन है, तो इसमें 5 एम्पियर का फ्यूज दे रखा है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो है कि आप लोग कीजिए, ये आपके लिए जो है कि गृह कार्य है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जवाब बताऊंगा। और ये आठवां जो क्वेश्चन है वो अपने सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है, इसको नहीं करेंगे। नवा जो क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया का एक एक समीकरण पूछ रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया में तो क्या लिखना है, H2+O कर देंगे तो H2O बन जाएगा। इसके बाद इसको उल्टा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं है। 11वां जो क्वेश्चन है वो इसमें प्रामैनिक किरणें आ जाएंगी, इसका वह अपने सिलेबस में नहीं है। 12वां क्वेश्चन आप लोग जो है कि इसको आसानी से कर सकते हो। और इसके बाद 13वां क्वेश्चन है जो आप लोग इसको कर सकते हो, मैंने आपको सूत्र याद करवाया था, और वो क्वेश्चन याद करवाया था क्यू आई टू, इससे याद करवाया था। तो इसमें ध्यान रखना जो मिनट है इसको पहले किस में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है, और फिर दोनों को गुणा करने पर जो है कि आवेश आ जाएगा। इसके बाद मानव लिंग निर्धारण, ये आपको अच्छे से बताया था कि नर में तो जो होगा वो अक्षअक्ष होगा, और मादा में क्या होगा, XY होगा। इनके युग्मक बना लेंगे XX और XY, इसके बाद ये क्रॉस करेगा और ये इसे क्रॉस करेगा, तो XX और ये इससे करेगा तो XY, इसके बाद ये XX और ये XY, तो ये वाले में बेटी प्राप्त होगी, इस वाले में बेटा प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हो। बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन पेपर था। और 15वां क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, आमाशय में अमल का कार्य पूछ रहा है, और वह में पूछ रहा है स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, तो ये आप लोग कर दोगे। स्वपोषी में स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी में ये जो है कि अपने
उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। स्वयंपोषी जो है कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं, विषमपोषी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। और इनमें उदाहरण दे सकते हैं, सभी पादप स्वयंपोषी होंगे जबकि सभी जंतु जो है कि विषमपोषी होंगे। और यह आपको कह लोगे तंत्रिका पेशी संधि का नामक चित्र बनाना। इसमें ध्यान रखना तंत्रिका तंत्र का चित्र नहीं पूछा है, कहीं आप लोग जो है कि तंत्रिका तंत्र का चित्र बना दो। इसमें तंत्रिका तंत्र की जो है कि पेशी संधि का पूछा है, तो इसमें हिंट दे देता हूँ आपको। इससे पहले आपको एक पेशी बनानी होगी, ये जो है कि पेशी, और इसमें इसे कुछ कर देना। इसके बाद ये तंत्रिका तंत्र होगी और इसको आप लोग जो है कि इसे जोड़ सकते हो। इस तरीके से आप लोगों को जो है कि ये वाला करना है। इसके बाद नियंत्रण समन्वय ये करना है। इसमें जो है कि 17वां क्वेश्चन, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना अपचयन होगा। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हाइड्रोजन का अपचयन हो गया, जबकि ऑक्सीजन का निकलन ऑक्सीकरण हो गया, जबकि ऑक्सीजन का निकलन अपचयन होता है तो कॉपर का क्या हो गया, अपचयन होगा। तो इसमें ऐसी एक अभिक्रिया आपको दूसरी लिखनी है, ठीक है ना। तो 17वें में पहले तो इस जो अभिक्रिया दे रखी है इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन बताना है। इसके बाद एक अभिक्रिया और लिखनी है। और 18वें क्वेश्चन में गोले दर्पण को परिभाषित करना है, अवतल और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है वो लिखना है, और वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है ये लिखना है। इसमें आपको ये सभी अंतर एक सारणी बनाकर लिखना है। इसके बाद 19वें क्वेश्चन में चार अंत ग्रंथि की स्थिति बतानी है कि अंत स्थायी ग्रंथि कहाँ कहाँ पाई जाती है। एक हल्का मतलब डायग्राम बनाना है आपको, मतलब डायग्राम एक रेखा चित्र आपको बनाना है इसमें, और उसमें बताना है इंसुलिन और थायरोक्सिन हार्मोन की कार्य लिखना है। तो इंसुलिन का कार्य क्या हो जाएगा, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, जबकि थायरोक्सिन का कार्य क्या हो जाएगा, पाचन में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के पाचन करने की भूमिका निभाना। और ये 20वां क्वेश्चन अपने है नहीं, 21वां क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, इनको नहीं करेंगे। और इसके साथ 22वां क्वेश्चन भी नहीं है। 23वां क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, शायद बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये H2SO4 है, इसको आप लोग आगे कर लोगे, चलो मैं कर देता हूँ। H2 गैस निकल जाएगी और ZnSO4 बन जाएगा। तो इसमें जो है कि अक्ष का नाम लिखना है, तो अक्ष गैस हाइड्रोजन बन जाएगी। और ये समीकरण हो गया, इसकी उपस्थिति का पता कैसे लगाएंगे, जब इसको हम जलाएंगे तो ये फटफट की आवाज़ के साथ जलेगी। और 24वें में आपको अपवर्तन वाला वो डायग्राम बनाना है, जिसमें ये वाला डायग्राम बनाते हैं, ये वाला डायग्राम आपको इसमें बनाना है 24वें में। 25वें में पारितंत्र संगठनों को समझाना है, पारितंत्र जो संगठक हैं, जैव संगठन और अजैव, इन दोनों को इसमें जो एक बताना है। वो वह संसाधनों का उपयोग जो कुछ लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जो बिजनेस वगैरह वाले, तो उनके बारे में आपको इसमें लिखना है। और 26वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें जो है कि मरकरी आ जाएगा, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है, तो मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 8 8। और ये जो है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और तो मैग्नीशियम का बताया मैंने आपको 2 8 2, क्लोरीन का हो जाएगा 2 8 8। दूसरा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण इसमें पूछ रहा है, तो देखिए ये 9th में पढ़ा होगा कि सब तत्व अपना स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं, और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बाह्यतम को उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग, मैग्नीशियम 2 का त्याग करेगा, और इधर ये क्लोरीन जो है कि 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन जो है कि ग्रहण करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो है कि क्या हो जाएगा, ये जो मैग्नीशियम हो जाएगा इसकी, इसको 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना है, जबकि क्लोरीन को, क्लोरीन में 7-7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इसमें 7 आएगा, यहाँ पे 7 कर लेना। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, तो क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा और एक ये दूसरा क्लोरीन ग्रहण कर लेगा, तो जो यौगिक बनेगा वो क्या बन जाएगा, MgCl2। समझ में आ गया ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसके साथ जो है कि आपको NaCl का पूछ सकता है, तो वो आप लोग कर लेना। और 27वां क्वेश्चन में जो है कि फ्लेमिंग की बाएं हाथ का नियम लिखना है, वो नियम लिखना है, और बैमे प्रणालिका के भीतर और अंदर कैसे होगा, तो आपको इसे डायग्राम बनाना है, और यहाँ पे बैटरी ऐसे करना है, तो अंदर तो हो जाएगा ऐसे, और ये तो हो जाएगा बाहर, और अंदर हो जाएगा इसके अंदर ऐसे, तो ये वाला इसमें आपको करना है। और 4 युक्तियों के नाम पूछ रहा है, तो 4 युक्ति कौन कौन सी हो सकती हैं, इसमें पंखा हो जाएगा,
लाउड स्पीकर हो जाएगा, विद्युत मोटर हो जाएगी और विद्युत घंटी हो जाएगी। तो ऐसे कोई भी चार उपकरणों के जो है कि आप लोग इसमें नाम लिख सकते हो। 28वां क्वेश्चन जो है कि बहुत छोटा क्वेश्चन आप लोग कर लोगे और इजी है। और 29वां क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे। प्रतिरोध की निर्भरता चार कारकों पर डिपेंड करता है, तीन पे डिपेंड करती है, लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल पे और पदार्थ की प्रकृति पे। प्रतिरोधकता का की परिभाषा और इसका एसआई मात्र पूछ रहा है। और बै में कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए पहले तो ये जो श्रेणी क्रम है इनको जोड़ लेंगे, तो चार और चार ओम आ जाएगा। आप समांतर क्रम का सूत्र लगा के जो है कि इसको ज्ञात कर लोगे, तो इसको भी आप लोग कर लेना। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर देना, मैं नेक्स्ट पेपर में इसको आपको बता दूंगा। जूल तापन का नियम, जूल तापन का नियम मैंने याद करवाया था आपको बहुत अच्छी तरीके से। हसीना आई दो बार रात में, ठीक है, ये एच बराबर आई स्क्वायर आर टी याद करवाया था। हसीना आई दो बार रात में, तो इसे ये कर लेना। दो गैस ऑर्गन और नाइट्रोजन है क्योंकि ये उसकी तंतु की उम्र को बढ़ा देती है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 840 वाट है विद्युत धारा प्रतिरोध, तो विद्युत धारा आप किससे ज्ञात कर लोगे? विद्युत धारा ज्ञात करने का ये जो शक्ति का सूत्र बताया था मैंने आपको, ठीक है ना, तो मैंने आपको याद करवाया था आपको इसको वी आई पी से ये आपको याद करवाया था। तो इसमें अपने को क्या धारा पूछ रहा है, तो ये धारा ज्ञात करनी है, तो ये कर लेंगे। पी का मान रख दो और 840 में 220 का भाग दे दो, वो आ जाएगी धारा। और धारा आने के बाद आप जो है कि वरी भी आपको याद करवाया था मैंने, वरी इससे प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए वी में आई का भाग दे देंगे, तो इसको आप लोग आसानी से कर लेना। और ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद के क्वेश्चन अपने सिलेबस में है नहीं, और इसकी पीडीएफ में जो है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और जो लास्ट वीडियो था उसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? उसका उत्तर हो जाएगा अतिभारण से बचने के लिए, अतिभारण से बचने के लिए। और आप सभी जो है अच्छी तैयारी करें, अपनी तैयारी को परखें, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ बताएं और उन्हें बोलें कि ओल्ड एग्जामिनेशन पेपर जो है कि हमारे लिए बहुत लाभदायक होंगे, तो सभी को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट सीरीज तीसरी में एक नया पेपर और लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।